हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड में फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू कमांड्स का यूज़ करना जानेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो फाइंड के लिए जो हमारे पास यहाँ पर जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ यहाँ पर टाइप हो रखे हैं, उस पैराग्राफ में हमें कोई भी वर्ड फाइंड करना है। उसके लिए हम होम टैब में यहाँ पर राइट हैंड साइड जो लास्ट में बॉक्स है फाइंड रिप्लेस, तो हम यहाँ पर अगर फाइंड में क्लिक करेंगे तो फाइंड में यहाँ पर एक नेविगेशन, मेरे पास जो ऑफिस है ऑफिस 2010 है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एक नेविगेशन आ चुका है और मुझे यहाँ पर क्या ढूँढना है, क्या फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ फॉर्मेट, जहाँ जहाँ मेरे पैराग्राफ में फॉर्मेट वर्ड आया हुआ है वो वर्ड यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, वो येलो कलर में मुझे हाईलाइट दिख रहा है। तो कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल एफ़ प्रेस करते हैं, मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ, कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल एफ़ बटन प्रेस किया और कंट्रोल बटन एफ़ प्रेस करके यहाँ पर नेविगेशन लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आपको मैं लिख रही हूँ लुक, तो जहाँ पर भी लुक वर्ड आया है वो लुक वर्ड यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह रिप्लेस बटन काम करता है, तो रिप्लेस के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एच या यहाँ पर राइट हैंड साइड रिप्लेस पर भी क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल एच भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ये तीनों यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर रिप्लेस कराना है, तो रिप्लेस कराना है जैसे यहाँ पर लुक लिखा है, तो लुक को मुझे लुक्स, मैं यहाँ पर लुक्स लिख रही हूँ और मैं इसे रिप्लेस करती हूँ अगर, तो रिप्लेस में ये एक एक वर्ड को रिप्लेस करेगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे जाके क्लिक करती हूँ तो मेरी जो फाइल है, इस फाइल में जो लुक वर्ड है, जितने टाइम लुक वर्ड आया है वो एक साथ में लुक्स में चेंज हो जाएगा। और मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर रही हूँ, लुक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो लुक वर्ड था वो लुक्स में चेंज हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक मैसेज भी आया है कि वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 78 रिप्लेसमेंट्स। इट मीन्स कि जो ये फाइल है, इस फाइल में लुक वर्ड 78 टाइम्स रिपीट हुआ है और उसने उसे लुक्स में चेंज कर दिया। इसे मैं क्लोज कर रही हूँ और हम कीबोर्ड से कंट्रोल एच भी बटन प्रेस कर सकते हैं, तभी रिप्लेस का बटन ओपन होगा और जो भी हम यहाँ पर वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस यहाँ पर जैसे लुक है, तो अब मैं आपको दोबारा किसी और वर्ड पे इसे चेंज करके बताती हूँ। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर यू, तो यू जहाँ पर भी यू होगा, यू यहाँ पर मेरे पास योर्स, तो यू को हम योर्स में चेंज कर रहे हैं रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पर ये कह रहा है 134 रिप्लेसमेंट, तो जहाँ जहाँ पर भी यू लिखा है वो योर्स में चेंज हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम यहाँ पर नेक्स्ट जो कमांड है गो टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गो टू, यहाँ पर मैंने गो टू पे क्लिक किया, गो टू में यहाँ पर हमारे पास पेज लिख के आ रहा है, तो मेरी जो फाइल है 4 पेजेस की है, 1 of 4, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख के आ रहा है 1 of 4, और मुझे मैंने यहाँ पर पेज नंबर 3 टाइप किया और मैं एंटर कर रही हूँ। और एंटर करते ही जो मेरे पास यहाँ पर पेज है, जो मेरा कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, वो मेरे पास यहाँ पर 3rd पेज है। तो अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर 1 प्रेस करती हूँ, मैंने यहाँ पर पेज नंबर 1 टाइप किया और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस किया, तो अब जो मेरा पेज है, मेरा जो कर्सर है वो मेरे फर्स्ट पेज के ऊपर है। तो इसी तरह हम यहाँ पर सेक्शन लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन के लिए जैसे अब मेरे पास यहाँ पर जो लाइन्स है, मैं यहाँ पर लाइन के लिए आपको यूज़ करके बताती हूँ। लाइन के लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ 6, और 6 पे मैंने जाके गो टू किया, तो गो टू पे मेरा जो कर्सर है वो 6 लाइन पे आ चुका है। तो 6 लाइन यहाँ पर अदर्स डॉक्यूमेंट, तो हम देख लेते हैं ये 6 लाइन है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 2 लाइंस ऊपर ऑलरेडी टाइप हो रखी हैं, और जो यहाँ पर एक ये कर्सर यहाँ पर 3 4 5th और 6th अदर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जो मेरा कर्सर आया है वो सीधे 6 लाइन के ऊपर मूव हुआ है। कंट्रोल जी से हम गो टू की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में हम होम टैब के अंदर हमारे पास जो राइट हैंड साइड रिप्लेस गो टू का यहाँ पर जो बॉक्स बना है, हम यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं या इसके लिए हम शॉर्ट कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।